नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा नगरी। मैं यहाँ पे छवान पैरालिसिस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर से बोल रही हूँ। हमारा हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए है। हम यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन देके पैरालिसिस पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। पैरालिसिस होते ही जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल से कंसल्ट करते हैं, उनको 15 दिन से 1 महीने के अंदर हम कंप्लीट रिकवरी दे रहे हैं। पेशेंट पहले जैसा थे, उनका सिचुएशन सेम वैसे ही, उनका हाथ पाँव काम करना शुरू हो जाता है। 1 मंथ के अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई पेशेंट 1-2 महीने के बाद आते हैं तो हम उनको 15 to 20 days और थोड़ा मेडिसिन ज़्यादा देके उनको ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल में। हमारे सर्विसेज है आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। यहाँ पे हम पेशेंट्स को एडमिट करके ट्रीटमेंट देते हैं और ओपी केसेस भी देखते हैं। हमारा हॉस्पिटल है मलकपेट पे, पिलर नंबर 1497, अबव रेड टेप शोरूम। तो कोशिश कीजिए कि इसको भी पैरालिसिस हुआ है, इमीडिएटली हमारे हॉस्पिटल से कंसल्ट कीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये हमारे डैडी 35 ईयर्स से दे रहे हैं और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर 7 ईयर्स से ये मेडिसिन दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, जिसको ब्रेन में क्लॉट हुआ है और जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसका ब्रेन में नस फट गया है, उस वजह से हेमरेज से जिसको पैरालिसिस हुआ है, ये 2 केसेस के लिए हमारे पास एक्सेलेंट मेडिसिन है और कंप्लीट रिकवरी होता है पेशेंट्स को। कितने दिन में उपलब्ध होता है मतलब आपके पास पेशेंट आया हुआ है हाथ का? हमारे पास पेशेंट जो इमीडिएटली आते हैं उनको हमने 10 डेज में भी ट्रीट किया हुआ है। पेशेंट्स को 5 डेज में भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, कंप्लीट ट्रीटमेंट। अभी उनको फिर दवा मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उतना हमारा रिकवरी फास्ट है। लेकिन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को रिकवरी का टाइम चेंज होता है, क्यों बोलते, उनके एज फैक्टर की वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 1 मंथ के अंदर ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। अब जैसे कि मैडम कोई 2 साल से पहले से आया हुआ, उनको कहीं इधर उधर फिरने के बाद भी कोई ट्रीटमेंट लगा रही है, तो आपके पास लाने के बाद कितने दिन में, कितने दिन की दवाएं दे लेते हैं, कितने दिन हमारे पास ट्रीटमेंट, हम लोग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का इंक्रीज करते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर उनको उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। जो पेशेंट 2 साल से बेड पे है, हाथ पाँव मूवमेंट नहीं है, उनको भी 2 से 3 महीने के अंदर